दिल्ली पुलिस ने टीकमगढ़ पुलिस की मदद से पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी के हत्यारे को 33 लाख के जेवरातों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को जतारा थाना क्षेत्र के बलदेवपुरा गांव से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तीन बदमाश 6 जुलाई को दिल्ली के बसंत विहार कॉलोनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर में घुसकर उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। लाखों रूपये के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर लिया था। तीसरे आरोपी सूरज कुमार को उसकी ससुराल बलदेवपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 33 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी को पकड़कर पुलिस ने दिल्ली ले गई है। उस आरोपी से झड़प भी हुई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां पर भी महिलाएं लोग विवाद कर रही थी, जिसमें पुनः टीम हमारी रवाना हुई और मैं स्वयं वहां पर पहुंचा, जहां पर करीब 33 लाख का हमें जेवरात वहां पर मिला है और करीब 10,000 रुपए जब्त हुए, एक फोन रेडमी का जब्त हुआ है।